हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीके एंटरप्राइजेस टीएस प्रोजेक्टर होम सिनेमा इंस्टॉलेशन से हूँ और भोपाल में मेरा ऑफिस है। और टोटल होम सिनेमा इंस्टॉलेशन का काम भी करता हूँ और प्रोजेक्टर सेलिंग का भी काम करता हूँ। ठीक है, आपको जो भी हेल्प चाहिए हो इन सब चीज़ों के लिए तो आप मुझसे बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ कि भाई देखिए, मेरे पास कई मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारा बजट इतना है। किसी का देखिए लो प्राइस का बजट भी रहती, को अपना मीडियम प्राइस में भी चाहिए, किसी को हाई प्राइस में भी चाहिए रहता प्रोजेक्टर। तो मैं यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि फुल एचडी 1080p जो मेरे पास में 5 मॉडल रखे हुए हैं इस वक्त, तो 5 मॉडल में आपका प्राइस रेंज बताऊंगा। बाकी पूरा फुल डिटेल वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी बने हुए सबके ऊपर, बस मैं यहाँ इकट्ठा आपको सबके सब मॉडल दिखाऊंगा। सिलेक्ट आपको करना है कि आपको कौन सा मॉडल सही लग रहा है, आपके हिसाब से कौन सा मॉडल है, वो आप चूज़ करके मुझसे परचेस कर सकते हैं। और प्रोजेक्टर के जो भी प्राइस मैं यहाँ बताता हूँ, एवरेज प्राइस बता देता हूँ, जब आप मुझसे व्हाट्सअप पे या कॉलिंग पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो जो बेस्ट प्राइस होगा वो मैं आपको बेस्ट प्राइस करके दूंगा। ठीक है, बस यहाँ पे कि एवरेज प्राइस मैं आपको बोल देता हूँ कि लगभग ये प्राइस हो सकता है, आगे जाके हो सकता है, देखो प्राइस बढ़ भी जाता है, लेकिन जो बेस्ट होगा मेरी तरफ से आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगा। और एलईडी प्रोजेक्टर जो मेरे पास में है ये आपको 1 ईयर वारंटी के साथ में मिलेगा और कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है। और कैश ऑन डिलीवरी की कंडीशन ये रहती है कि आपको 500 रुपीज़ जो है मेरे को पहले कंफर्मेशन का देना होता है, उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट होता है, जब आपको सपोज मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 10,000 का कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, 500 रुपये आपने मुझे कंफर्मेशन दिया, उसमें से जब आप वहाँ पेमेंट करेंगे कुरियर बॉय को देंगे तो आपको 9,500 ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि 500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। तो जो प्राइस और COD का भी कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैं प्राइस देता हूँ उसी में हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी लगभग मैं वीडियो बनाने में कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। एक तो मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ अपने, हालांकि पूरी ऑलरेडी फुल डिटेल के साथ में मेरा वीडियो बना हुआ है। मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी डिटेल और वीडियो क्वालिटी आपको चेक करवा देता हूँ और प्राइस बता दूंगा कौन कौन से मॉडल का क्या है। नेटिव फुल HD 1080p सभी प्रोजेक्टर है। ठीक है, तो मैं जो है आपका मोबाइल ये निकाल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल मैंने यहाँ रख रखे हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले TS सुपर 20A+ प्रोजेक्टर है ये। ठीक है, इसका भी पूरा जितने भी मॉडल आप देख रहे हैं सभी का वीडियो ऑलरेडी बना है, यदि आपको फिर से देखना हो आप मुझे कमेंट करें, आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये TS सुपर 20A+ है, नेटिव फुल HD 1080p है, अप टू 4K वीडियो सपोर्ट है, एंड्रॉयड 9 के साथ में आता है, और अपना इसमें 2 GB रैम, 16 GB रोम है, और 2 TB हार्ड डिस्क डायरेक्ट सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, ये तीनों मॉडल जो आप देख रहे हैं ये तीनों ही 2 TB हार्ड डिस्क डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, और फुल HD 1080p नेटिव है, और आपका 4K मूवी भी आप VLC प्लेयर डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं इसमें। और इसमें वो डिजिटल 4D कीस्टोन तो एंड्रॉयड में सभी में आ ही रहा है। और इसकी प्राइस की बात करता हूँ मैं, तो ये आपको 24,500 में मिलेगा मेरे पास में 1 ईयर वारंटी के साथ में, TS सुपर 20A+। ठीक है, तो उसका लगभग मैंने बता दिया, अगर कुछ भूलूंगा तो मैं आपको वीडियो में दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर दिमाग में आती कोई बात। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे दी है, 1 ईयर वारंटी के साथ में मिलेगा। और ये जो मॉडल रखा हुआ है यहाँ, TS LT09A प्रोजेक्टर है ये। ठीक है, और ये एंड्रॉयड 9 में 1 GB रैम, 8 GB रोम है इसके अंदर, और नेटिव फुल HD 1080p अप टू 4K वीडियो सपोर्ट करेगा बिल्कुल। और इसका प्राइस जो है 14,500 रुपये है। बाकी जैसा कि मैंने बोला, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, जो बेस्ट प्राइस होगा वो आपको करके दूंगा। 1 ईयर वारंटी के साथ में ये प्रोजेक्टर मिलेगा और सभी TS कंपनी का ही है मेरे पास में। ओके दोस्तों, और डिजिटल 4D कीस्टोन वगैरह सब है। मैं थोड़ा थोड़ा चला के आपको, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं खींचूंगा, कोशिश करूंगा छोटे में छोटा ही वीडियो बने, और थोड़ा बहुत फीचर भी आपको दिखा दूंगा शॉर्टकट में। और ये बात करते हैं तो ये जो मॉडल मेरे पास रखा TS LT 20A प्रोजेक्टर है ये। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैं देखिए एक चीज़ मेरे को मैंने बोला था बीच में, ध्यान दिला दूँ, आएगा तो मैं बताऊँगा। ये 6800 लुमिनस में आता है, ये 5000 लुमिनस में है। ठीक है, और अपना ये वाला जो प्रोजेक्टर है इसका है 9200 लुमिनस। ठीक है, और TS LT 20A प्रोजेक्टर है, नेटिव फुल HD 1080p अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट है, एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम है ये। ओके दोस्तों, और यहाँ जो पीछे ये मॉडल रखा हुआ है TS FHD 11+ प्रोजेक्टर है, ये बेसिक प्रोजेक्टर है, नॉन एंड्रॉयड है। ठीक है, 5500 लुमिनस प्रोजेक्टर है, नेटिव फुल HD 1080p अप टू 4K है ये। ओके, और इसका प्राइस 14,500 मैंने आपको बता दिया है, इसका प्राइस जो है आपका 21,500 रुपये, 21,500 रुपीज़। ठीक है,
और यहाँ पे जो है आपका इसका प्राइस जो आपको मिलेगा 16,500 में ये प्रोजेक्टर मिलेगा, और 1 ईयर वारंटी सभी की है। और ये अपना जो मॉडल रखा हुआ TSLT22A+ प्रोजेक्टर है, 9,800 लुमिनेस की ब्राइटनेस है, एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम है, डिजिटल 4D कीस्टोन, डिजिटल जूम इन वगैरह सब दिया हुआ है। और ये आपको मेरे पास मिल जाएगा 23,500 की रेंज में। बाकी जो बेस्ट होगा वो मैं आपको करके दूंगा प्राइस, आप मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। 4K 8K वीडियो सपोर्ट है, नेटिव फुल HD 1080p है, और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी लेवल की है। देखिए अभी जो भी हाँ मेरे को समझ में आ रहा था मैंने सभी चीज़ आपको बता दी है। बाकी मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें से एक मॉडल को ही यहाँ सेट कर लेता हूँ, और थोड़ी बहुत मैं आपको स्पेसिफिकेशन डिटेल भी उसके अंदर दिखा दूँगा, ताकि आपको थोड़ी क्वालिटी और वो पता पड़ जाए। मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ इनको, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें से कोई एक मॉडल यहाँ सेलेक्ट करके उसमें लैपटॉप से कनेक्ट करके फिर बाकी आगे का वीडियो आपका कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए अभी मेरे यहाँ थोड़ा लाइट भी चली गई है, मोबाइल की ही टॉर्च ऑन है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए प्रोजेक्टर ये है, इसके साथ में एसो सीरीज़ में सभी प्रोजेक्टर के साथ में प्रोजेक्टर रहता है, और प्रोजेक्टर तो रहता ही है, पावर केबल है, अपना रिमोट है, AV केबल है, HDMI केबल है, ये एसो सीरीज़ इसके साथ में रहती है। बाकी इसमें एक मेरी तरफ और मेरी तरफ से आपको रेड एंड ब्लू 3D ग्लास मिलेगा 2 पीस, ठीक है, और 32 GB पेन ड्राइव रहेगा, और जो एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है उसके साथ आपको वायरलेस माउस भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी थोड़ा मेरे यहाँ देखिए लाइट चली गई है, पूरा डार्क रूम हो गया है, तो मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, शायद तब तक लाइट आ जाएगी, फिर बाकी का वीडियो आपका कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी रह जाता आप मुझे बताना, तो नए एक वीडियो और बना के उसमें बाकी की कमी पूरी कर दूंगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हाँ मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया HDMI से, ठीक है, और ये जो है TSFHD 11+ प्रोजेक्टर यहाँ सेट किया है मैंने, और इसमें जो है अभी मैंने रखा ही है इसे, यहाँ पे पावर केबल लगा के हम कनेक्ट कर लेते हैं। पावर केबल मैंने यहाँ लगा दी है प्रोजेक्टर में, और प्रोजेक्टर जो है ऑन कर लेते हैं। 5,500 लुमिनस की ब्राइटनेस है, नेटिव फुल HD 1080p है, और मैं देखिए मोबाइल को जो है मैं अपना ट्राइपॉड स्टैंड पे सेट कर देता हूँ, ताकि कैमरा आपको ज़्यादा हिलता डुलता नहीं दिखे, नहीं तो उसमें क्या वीडियो पूरा मज़ा नहीं आएगा देखने में। और प्रोजेक्टर एक बार सेट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, तो दोस्तों ये देखिए प्रोजेक्टर मैंने यहाँ सेट कर लिया है। थोड़ी सी मोबाइल स्टैंड की हाइट बढ़ा लेते हैं, ताकि फोकस सही से कर सके, और 16 फीट 6 इंच की दूरी पे मैंने प्रोजेक्टर को रखा है। स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, मैं आपको प्रोजेक्टर की डिटेल थोड़ी सी शॉर्टकट में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी हम जो है इसमें HDMI लगा हुआ है, तो इसमें HDMI मोड सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये HDMI 1 यहाँ सिलेक्ट कर दिया मैंने, और स्क्रीन साइज देखिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ से, लगभग ये जो स्क्रीन साइज है 170 इंच का बना हुआ है, 170 इंच का स्क्रीन साइज बना हुआ है ये 16 फिट 6 इंच की दूरी से। ये जो है थोड़ा बड़ा ही डिस्टेंस बनाता है प्रोजेक्टर,
तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक सेकेंड इसका थोड़ा सा, ये फुल एचडी में होता क्या दोस्तों, पिक्सल्स जो हैं कम हो जाते हैं, टेक्स्ट देखने के लिए हमको इसके पिक्सल्स जो रेजोल्यूशन होते हैं वो चेंज करने होते हैं, क्योंकि वो फिर क्या होता है, पिक्सल्स छोटा हो जाता है ना, टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा छोटा छोटा दिखाने लगता है ये, तो इसलिए जो मैं इसको कम पिक्सल्स पे कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अभी इसमें मेरे पास दो मॉडल थे, TS FSD 11A+, ठीक है, तो ये TS FSD 11+ है, ठीक है, एंड्रॉयड नहीं है, नॉन एंड्रॉयड है, ये PDF इसमें एंड्रॉयड वाला डल गया है मेरे पेन ड्राइव के अंदर, तो बाकी फीचर सेम ही है इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं पूरा ये जो डिटेल यहाँ दिया हुआ है, 5.8 इंच का LCD TFT डिस्प्ले डला हुआ है इसमें, ब्राइटनेस 5500 लुमेनस की है, नेटिव 1920 1080p है, अप टू जो है 3840 2160p है, ओके। बाकी ये सब रेजोल्यूशन 480p 720p 1080p ये 4K वगैरह सब सपोर्ट करेगा, और स्क्रीन साइज जो इसमें बेस्ट प्रोजेक्शन साइज दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा और यहाँ जूम कर लेता हूँ उसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया, ये 40 इंच से लेके 250 इंच तक आप स्क्रीन साइज अच्छी ब्राइटनेस वाला देख सकते हैं, वैसे चाहे तो 300 इंच 350 इंच भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बेस्ट स्क्रीन साइज की, कि भी बेस्ट प्रोजेक्शन साइज कितने तक मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये TS FHD 11+ प्रोजेक्टर है, बाकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसके अंदर आप देख सकते हैं, यदि हम डायनामिक पे सेट करते हैं इसे तो अपना 50,000:1 का मिलेगा, और यदि नॉर्मल मोड पे हम रखते हैं इसको तो यहाँ पे 12,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। लैंप जो है 190 वाट का इसमें डला है, और लैंप लाइफ जो है 30,000 घंटे से 50,000 घंटे के बीच की हमको मिलती है, पूरा 50,000 घंटा। तो देखो, अब 50,000 घंटा पूरा निकालने के लिए आपको प्रोजेक्टर को 4 से 5 घंटे कंटिन्यू चलाना है, और 1 घंटे के लिए ऑफ कर देना है। इस तरीके से आप यदि प्रोजेक्टर को चलाते हैं तो आपको बिल्कुल मतलब लाइफ पूरी 50,000 घंटे आप निकाल सकते हैं, 12-13 साल प्रोजेक्टर चलेगा, और फिल्टर आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना, ठीक है। और बाकी बेसिक डिटेल में आपको देखो, यही कनेक्टिविटी में 2 HDMI है, 2 USB है, 1 VGA, AV ऑडियो आउट इन दोनों मिलेगा इसके अंदर, बाकी वीडियो फॉर्मेट तो बेसिक है तो लगभग सपोर्ट करता है, लेकिन कोई कोई नहीं भी करता सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि बेसिक है इसलिए। बाकी यहाँ मैंने 11+ की आपको डिटेल दिखा दी है पूरी, अब इसकी जो है मैं थोड़ी सी आपको वीडियो क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी चेक करवाता हूँ, हालांकि वीडियो देखिए सबका दिखाया ही हुआ है मेरा यहाँ पे, तो मैं वीडियो जो है यहाँ चेक कर लेते हैं अपन। क्वालिटी सुपर है प्रोजेक्टर की, 5,500 लुमिनस का प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का प्राइस जो है 16,500 रुपये है, बाकी बेस्ट प्राइस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें। फोर के वीडियोस तो जैसा कि मैं अपने देखिए सभी वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे वही वीडियो प्ले करूँगा जिसमें कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो मैं यहाँ पे ऐसा ही वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा ये, ठीक है दोस्तों। क्वालिटी आपको अच्छी ही देखने के लिए मिलेगी, यहाँ 2160p तक का स्पीड तो इतना आता नहीं है, फिर भी मैं एक बार करके देख लेता हूँ, आपके सामने ही रहेगा जो भी है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिटी,
प्रोजेक्टर की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। बाकी आप यदि कलर सेटिंग करके आप यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ाना भी चाहें, डायनेमिक पे करना चाहें तो ये कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, यूजर, ये सब मोड इसमें दिया रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके चला सकते हैं। डायनेमिक पे करके आपको दिखा देता हूँ क्वालिटी। और काफ़ी यहाँ पे बड़ा स्क्रीन साइज बना हुआ है। TS FHD 11+ प्रोजेक्टर है ये। 1 ईयर वारंटी के साथ में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा। 16,500 रुपये प्रोजेक्टर का प्राइस है। तो दोस्तों 15 मिनट का तो वीडियो हो ही गया है अभी इस वक्त, और मैं यहाँ पे जो है अभी दूसरा मॉडल यहाँ रखता हूँ, TS LT09A प्रोजेक्टर में आपको दिखाता हूँ। बाकी क्वालिटी आपके सामने है। आपको पर्सनली वीडियो चाहिए हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर दूंगा मैं। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं TS LT09A प्रोजेक्टर जो है यहाँ मैंने सेट कर दिया है ये, ठीक है। अभी प्रोजेक्टर जो है ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 5000 लुमिनस की ब्राइटनेस है प्रोजेक्टर के अंदर, और ये भी जो है 16 फिट 6 इंच की दूरी से 170 इंच का स्क्रीन साइज बनाता है। 5000 लुमिनस की ब्राइटनेस है। एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम, डिजिटल 4D कीस्टोन वगैरह सब हैं। बाकी देखिए दोस्तों, पूरा फुल डिटेल वाले वीडियो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको फिर भी कुछ डिटेल देखनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। और ये 5000 लुमिनस प्रोजेक्टर है, इसका प्राइस जो है 14,500 रुपये। मैं मोबाइल को जो है मोबाइल स्क्रीन पर सेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसकी भी डिटेल दिखा सकूँ और स्क्रीन साइज इसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 170 इंच का स्क्रीन साइज बना हुआ है। 5000 लुमिनस की ब्राइटनेस है। नेटिव फुल HD 1080p है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है इसमें भी मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है। तो लैपटॉप से जो है मैं HDMI मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये अभी मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है प्रोजेक्टर को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको TS LT09A की जो है डिटेल दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं TS LT09A मॉडल है, और स्पेसिफिकेशन डिटेल आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर TS LT09 है। LED+ LCD LTPS 5.0
टेक्नोलॉजी इसमें दिया हुआ है, LTPS डिस्प्ले, तो कलर वगैरह काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ब्राइटनेस 5000 ल्यूमिनेंस की है। नेटिव रेजोल्यूशन 1920 1080p है। ANSI ल्यूमिनेंस 300 है। एंड्रॉयड 9 है, ठीक है। रेम रोम 1 GB रेम है, 8 GB रोम है। ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरप्ले, कास्टिंग, यूट्यूब, ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस प्रोजेक्टर से आप 50 इंच से लेके 120 इंच एजुकेशन के लिए बना सकते हैं, और वीडियो प्रोजेक्शन के लिए आप मूवी वगैरह देखने के लिए 50 इंच से 250 इंच तक का बना सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो जो है इसके अंदर आपको 4:3 16:9 का मिल जाएगा। डिस्प्ले टाइप LED है। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो इसका है 10,000:1 का है। डिजिटल 4D कीस्टोन वगैरह सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी वही 50,000 घंटे इसमें लाइफ मिलेगी। 50,000 घंटे लाइफ निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया है वही करना होगा आपको। 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे करीब कंटिन्यू आप चलाइए प्रोजेक्टर को। 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, फिर दोबारा 5 घंटे चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा प्रोजेक्टर। कनेक्टिविटी में आपको 2 HDMI कनेक्टिविटी, 2 USB कनेक्टिविटी, 1 VGA AV, 3.5 mm की यहाँ पे ऑडियो जैक मिल जाएगा आपको, ठीक है। एसोसरीज वगैरह सब मेरा डिटेल बनाया हुआ, पर मैं शॉर्टकट में Full HD प्रोजेक्टर का यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका। और यहाँ जो है मैं इसे बंद करके आपको वीडियो क्वालिटी चेक करवा देता हूँ एक बार फिर से। मैं यहाँ जैसा कि मैंने बताया, मैं यहाँ सिर्फ 4K वीडियो ही प्ले करके दिखाऊंगा आपको, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4K वीडियो ही प्ले करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्वालिटी में चेक करवा देता हूँ वीडियो, हालांकि वैसे भी 20 मिनट करीब हो ही गया चलते चलते। इसमें मेरे को नॉन कॉपीराइट ही वीडियो प्ले करना है, इसलिए मैं सिलेक्ट करके वीडियो प्ले करता हूँ 4K वीडियोस। तो 4K का यही वीडियो मैं प्ले करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, कॉपीराइट नहीं आता है। और आप यहाँ देख सकते हैं HDMI से जो कि ये मैंने प्ले कर रखा है, और ये पूरा 4K 2160p में यहाँ सपोर्ट हो रहा है। और प्रोजेक्टर में 10 वाट का स्पीकर दिया हुआ है। 11 प्लस में 10 वाट के 2 स्पीकर दिए हुए हैं, जो इससे पहले मैं मॉडल दिखा रहा था इसमें 10 वाट का एक स्पीकर दिया है। और वॉइस जो है बिल्कुल इनफ है जितनी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी वॉइस की कमी नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी HDMI मोड पे है प्रोजेक्टर अभी। कलर सेटिंग वगैरह आपको कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको कलर सेटिंग चेंज होती हुई दिख जाएगी, जैसी आपको रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे मूवी पे ही हम चलाते हैं अधिकतर, तो मूवी पे करके आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। और स्क्रीन साइज भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पे। TSLT09A प्रोजेक्टर है, ठीक है। इसका प्राइस 14,500 है। बेस्ट प्राइस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो बेस्ट प्राइस करके आपको दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी करवा दूंगा। क्वालिटी काफी शानदार देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। TSLT09A 5000 लुमिनस नेटिव फुल HD 1080p प्रोजेक्टर है, अप टू 4K है। तो दोस्तों अब मैं इसके बाद में आपको TS Super 20A Plus प्रोजेक्टर दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी चेक करवा दी है मैंने आपको। TSLT09A प्रोजेक्टर है। बाकी फीचर वगैरह के ऊपर पूरा डेमो वीडियो मेरा अलग से बना हुआ है। तो दोस्तों TS Super 20A Plus प्रोजेक्टर मैंने यहाँ सेट कर लिया है। प्रोजेक्टर को जो है ऑन कर देते हैं यहाँ, ठीक है। और ये प्रोजेक्टर जो है ऑन होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोजेक्टर ऑन होने में। ये देखिए प्रोजेक्टर का फोकस यहाँ स्क्रीन पे आ गया है, और ये आप देख सकते हैं TS प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, प्रोजेक्टर एंड्रॉयड 9 है, 2 GB रैम, 16 GB रोम है। नेटिव
1080p फुल HD है। प्रोजेक्टर का प्राइस 24,500 रुपये। बेस्ट प्राइस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी बेस्ट में बेस्ट प्राइस होगा वो आपको करके दिया जाएगा यहाँ। और प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है 6800 लुमिनस की ब्राइटनेस है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो मैं है प्रोजेक्टर का लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने अभी 09 पे वीडियो प्ले किया था वही प्ले है। तो मैं इसकी पहले आपको डिटेल दिखाता हूँ थोड़ी। ठीक है दोस्तों, और डिस्प्ले सेटिंग में जाके इसके हिसाब से अपन रेजोल्यूशन भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, 1920x1080p पे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ TS सुपर 20A+ प्रोजेक्टर है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉडल TS सुपर 20A+ है, फुल HD विथ 4K बेसिक वीडियो प्रोजेक्टर। ओके, और यहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी 6 इंच LCD LED LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, तो कलर क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। और एंड्रॉयड 9 है, ब्लूटूथ है, और आपका वाईफाई वगैरह सब मिल जाएगा। 2GB रैम, 16GB रोम है इसमें। 6800 लुमिनस है, और कॉन्ट्रास्ट रेशो जो है 15:1 का मिल जाएगा, और डायनामिक इस पर 50:1 का मिलेगा। ठीक है, और कलर वगैरह जो आप देख सकते हैं यहाँ 16.7 मिलियन कलर्स यहाँ मिल जाएंगे। एस्पेक्ट रेशो जो है 4:3, 16:3, और प्रोजेक्शन लाइट 150 वाट का LED लैंप इसमें डला हुआ है। और आपका जो है 120 इंच इसमें जो है आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से बना सकते हैं, मूवी पर्पस के हिसाब से 250 इंच तक इसमें जो बेस्ट प्रोजेक्शन साइज है 250 इंच है इसका। और आप इसे इसमें 280 इंच तक भी ले जा सकते हैं ब्राइटनेस के हिसाब से। और ये जो है 50,000 घंटे इसमें आपको लैंप लाइफ, इसकी LED लाइफ मिलेगी। 50,000 घंटे निकालने के लिए आपको वही प्रोजेक्टर जो है 4 से 5 घंटे कंटिन्यू चला के 1 घंटे के लिए ऑफ कर देना है, फिर दोबारा आपको चला देना है इसको प्रोजेक्टर को। इसमें डिजिटल 4D कीस्टोन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रोजेक्टर और बाकी प्रोजेक्टर माउंट हो जाएगा सभी जगह, और इसमें सब सेटिंग मिल जाएगा आपको। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ मेरा, रेड एंड ब्लू 3D देखिए LED प्रोजेक्टर सपोर्ट करते हैं। एक्टिव 3D के लिए DLP है, DLP में भी आपको मेरे पास अच्छी प्राइस रेंज में आपको एक्टिव 3D प्रोजेक्टर भी मिल जाएंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही। ठीक है, और इमेज फ्लिप जो है 360 डिग्री तक यहाँ हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और कनेक्टिविटी में आपको HDMI के 2 पोर्ट मिलेंगे, 2 USB मिलेगा, और आपको AV ऑडियो वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे आउट, और इंटरनेट लाइन भी लगा सकते हैं आप। और प्रोजेक्शन साइज आप ये देख सकते हैं 300 mm, 230 mm, 130 mm। ये जैसे 16 फिट 6 इंच की दूरी पे मैंने अभी इस प्रोजेक्टर को रख रखा है, तो लगभग ये जो स्क्रीन साइज बना रहा है 160 इंच का स्क्रीन साइज बना रहा है, 155 से 160 इंच के बीच का स्क्रीन साइज बना हुआ है।
ठीक है। बाकी एसोसरीज वगैरह सब वही है जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। प्रोजेक्टर एंड्रॉयड है तो वायरलेस माउस, 32 GB पेन ड्राइव, पावर केबल, रिमोट, HDMI केबल, AV केबल, ये सभी आपको इसमें मिल जाएगा। तो अभी जो है मैं आपको इसमें वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ, जो कि 4K वीडियो मैंने अभी प्ले किया था। क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी आपको प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर की वॉइस भी काफी अच्छी है, तेज। 10-10 वाट के इसमें 2 स्पीकर दिए हैं और स्टीरियो साउंड क्वालिटी है। कलर वगैरह आपको शानदार देखने के लिए मिलेगा प्रोजेक्टर में। कलर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है प्रोजेक्टर की। LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है तो कलर वगैरह बहुत ही सुपर देखने के लिए मिलेंगे। ब्राइटनेस 6800 लुमिनस की ब्राइटनेस है। सुपर क्लियरिटी, सुपर एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं आपको TS LT22A+ प्रोजेक्टर चला के दिखाता हूं मैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं TS LT22A+ प्रोजेक्टर को यहाँ रख लिया है मैंने। लैंडस्केप इसका हटा लेते हैं। और ये प्रोजेक्टर एंड्रॉयड 9 के साथ में है। प्रोजेक्टर ऑन हो गया, यहाँ TS प्रोजेक्टर लिखा हुआ आ रहा सामने। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन करेक्शन और सॉरी ये डिजिटल की स्टोन तो है, बाकी आप फोकस सेट करने के लिए आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है आपको। मैं प्रोजेक्ट यहाँ सेट कर देता हूँ। इसकी ब्राइटनेस जो है 9800 लुमिनस की ब्राइटनेस। प्रोजेक्टर फुल HD 1080p है। अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेन मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिटेल भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे TS LT22A+ का डिटेल है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल नंबर जो है TS LT22A+ है। 4K 8K वीडियो सपोर्ट है। आप इसमें USB से 4K मूवी भी आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। और TS Super 20A+ में भी हो जाएगी, TS LT09A+ में भी, सॉरी TS LT09A में भी हो जाएगी। अभी तक जो भी मैंने एंड्रॉयड दिखाया है सभी USB से 4K मूवी प्ले कर देते हैं। मैंने प्ले की हुई है अधिकतर, जो है मैं प्ले ही हो जाती है मूवी। अभी तक एक भी कोई ऐसा फॉर्मेट सामने नहीं आया है।
कि जो मूवी प्ले नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो एलसीडी एलईडी प्लस एलसीडी एलटीपीएस 6.2 इंच का इसमें डिस्प्ले टेक्नोलॉजी डला हुआ है। ब्राइटनेस 9800 लुमिनस की है, ठीक है। मैक्स सपोर्ट वीडियो 4K 8K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट है। एनएसआई लुमिनस यहाँ पे 1800 मिल जाएगा अपने को। नेटिव रेजोल्यूशन फुल एचडी 1080p है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 है, ठीक है। 1GB रैम 8GB रोम में ब्लूटूथ वाईफाई एयरप्ले कास्टिंग यूट्यूब प्ले स्टोर सब आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रोजेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए 50 इंच से लेके 120 इंच यहाँ मेंशन किया हुआ, पर इसकी ब्राइटनेस को देखते हुए मैं आपको बोलूँगा आप 140 इंच 150 इंच पे भी इसको थोड़ा बहुत डे लाइट में आप चला सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। मैं आपको थोड़ा सा देखिए डे लाइट करके दिखा देता हूँ। प्रेजेंटेशन फाइल में भी हमारा जो होता है इसी तरीके की फाइल होती है, और यहाँ देखिए इतना उजाला मैंने कर रखा है, और स्क्रीन साइज 150 इंच का यहाँ पे बना रहा है प्रोजेक्टर। 150 इंच से बड़ा ही स्क्रीन साइज है थोड़ा, आप राउंड फिगर में 150 इंच मान के चलिए। इस प्रोजेक्टर का प्राइस जो है आपको 23,500 रुपये में ये प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको मेरे पास, और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ देख सकते हैं आप। इसका एनएसआई लुमिनस ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा आपको डे लाइट में इसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप इसको डे लाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बाकी मॉडलों को नहीं दिखाया, इसे ही दिखाया। बाकी आप इससे पहले जो मैं मॉडल दिखाया TS FHD 11+ हो गया अपना, और TS LT 09A हो गया, और TS Super 20A+ हो गया। 120 इंच के स्क्रीन साइज पे आप इसे चला सकते हैं। 120 इंच 100 इंच पे तो आप कोई भी प्रोजेक्टर चला सकते हैं, लेकिन जो तीन मॉडल मैंने इससे पहले आपको दिखाए हैं उसको आप 120 इंच तक डे लाइट में चला सकते हैं 9 वाट के LED बल्ब में, या जितना लाइट अभी मैंने करके दिखाया इतना लाइट करके भी आप उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं 120 इंच 8x6 के स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप मूवी पर्पज के हिसाब से 50 इंच से 300 इंच तक का आप मूवी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फोकसिंग मोड जो है इलेक्ट्रॉनिक रिमोट फोकस जूम, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोकस जो मैंने आपको बताया सेट करके आप रिमोट से ही इसमें जो है लेंस इसका पूरा सेट कर सकते हैं। फोकस सेटिंग दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। एक्सपेक्ट रेशो जो है 4:3:16:9 का मिल जाएगा। डिस्प्ले टाइप LED है, और एनाग्लास 3D रेड एंड ब्लू 3D सपोर्ट करता है प्रोजेक्टर। कॉन्ट्रास्ट रेशो जो है 18,000:1 का मिलेगा यहाँ पे, और 6D की स्टोन करेक्शन है क्योंकि इसमें मैनुअली भी दिया हुआ कि 4D की स्टोन तो है ही प्रोजेक्टर के अंदर, आप कॉर्नर टू कॉर्नर तो सेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर के बैक साइड में जो मैं देखिए अभी यहाँ जाके दिखाता हूँ आपको, ये जो स्विच दिख रहा है ना यहाँ पावर स्विच बीच में है, बाकी ये जो गोल सर्कल यहाँ दिया हुआ है तो ये आपका जो है मैनुअल यहाँ पे की स्टोन दिया हुआ है जो मैनुअल आता है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं यहाँ पे कीस्टोन से, तो ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। कहा गया अपना, ठीक है, कीस्टोन, ओके, ठीक है। लैंप टाइप जो है LED टेक्नोलॉजी है, 190 वाट का LED लैंप इसमें डला है। लाइफ वही 50,000 घंटे मिलेगी। 50,000 घंटे निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है बस 4 से 5 घंटे चला के 1 घंटे के लिए प्रोजेक्टर बंद कर दो, दोबारा आप इसको 4 से 5 घंटे चलाइए, लाइफ अच्छी मिलेगी, और फिल्टर टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना है, ठीक है। HDMI के 2 पोर्ट हैं, USB के 2 पोर्ट हैं, AV का 1 पोर्ट है, ऑडियो का 1 पोर्ट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, ये सभी मिल जाएगा। बाकी फुल डिटेल वाले वीडियो मेरे बहुत से बने हुए हैं इसके, आपको देखना हो तो आप मुझे कमेंट करें, कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपके लिए जो मॉडल बोलेंगे उसके लिए 1 या 10 वीडियो और बना के डाल दूंगा आप मुझे बोलेंगे तो, अगर आपको नहीं मिल रहा जो सेटिंग के ऊपर चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कस्टमर और व्यूवर्स की हेल्प करना ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों की बिल्कुल जो भी होगी हेल्प करूंगा। तो बाकी जो नॉर्मल डिटेल है मैंने आपको बताई थी, बाकी एसोसरीज में आपको वही पावर केबल, रिमोट, HDMI केबल, AV केबल, रेड एंड ब्लू 3D ग्लास, वायरलेस माउस, 32GB पेन ड्राइव इसके साथ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो डिटेल है मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दी है इसकी, और अब जो है मैं इसमें आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ जो मैंने अभी तक प्ले किया, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो मैंने बनाया है अब यहाँ पे कॉपीराइट किसी वीडियो पे आ जाए तो मज़ा नहीं आएगा उसमें, इसलिए मैं यही वीडियो प्ले कर रहा हूँ ताकि मेहनत जो है ज़ाया नहीं जाए यहाँ पे,
ठीक है, 4K रेजोल्यूशन पे ही सेट है प्रोजेक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं 4K में ही चला के दिखा रहा हूँ मैं, और क्लियरिटी आप देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ब्राइटनेस अलग ही लेवल की प्रोजेक्टर की। सभी मॉडल अपने अपने हिसाब से सही है बिल्कुल, जैसा आपका प्राइस रेंज है आप देख सकते हैं। यहाँ 150 इंच से थोड़ा बड़ा ही स्क्रीन साइज बना हुआ है, 16 फीट 6 इंच की दूरी से। सुपर क्लियरिटी, सुपर एक्सपीरियंस। प्रोजेक्टर में 10 वाट का स्पीकर डाला हुआ है, इसमें आपको वॉइस काफी अच्छी मिलेगी। कलर मोड देख सकते हैं आप, विवेट, स्टैंडर्ड, यूजर, पीसी मोड, जिस पे आप चाहें अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये मेरे से क्लिक हो गया है थोड़ा, तो इसलिए बटन पे डबल क्लिक हो गया तो स्क्रीन आउट ही हो गया है। वॉइस इनफ है जितनी होनी चाहिए बिल्कुल, आपको वॉइस की कोई भी कमी नहीं लगेगी। धूम धड़ाका करने के लिए आपको होम थिएटर ही कनेक्ट करना पड़ेगा। TS-LT22A+ प्रोजेक्टर में वीडियो देख रहे हैं आप। 150 इंच का स्क्रीन साइज बना हुआ है, 9800 लुमिनस की ब्राइटनेस है, नेटिव फुल HD 1080p है, अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट है प्रोजेक्टर। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको TS-LT20A प्रोजेक्टर का वीडियो दिखाता हूं और उसका डेमो दिखाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लगभग 42 मिनट का बन ही गया है। मैं सोच तो रहा था कम से कम मैं दिखाऊं, लेकिन वो एडिटिंग वगैरह में क्या मजा नहीं आता मेरे को, इसलिए जो है लाइव डेमो दे रहा हूं। आप आराम से देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं TS-LT20A मॉडल है, ठीक है, इसे ऑन कर देते हैं और ये प्रोजेक्टर जो है ऑन हो रहा है। इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, 9200 लुमिनस का प्रोजेक्टर है ये। हालांकि ये मॉडल मेरे पास थोड़ा अपडेट होके ही, इसको जो असेंबल करवाया हमने इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़वाई थी, पर आप 9200 लुमिनस ही मानिए। वैसे अपन कंपेयर करेंगे तो 9800 लुमिनस में ये भी है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे लेवल की है। एंड्रॉयड 9 है, 1GB रैम, 8GB रोम है। फुल डार्क रूम कर दिया है ये, वॉइस भी इनफ है जितनी होनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, बहुत ही प्यारी क्लियरिटी है दोस्तों इसकी, आपको बिल्कुल अलग ही लेवल का मजा आएगा प्रोजेक्टर में। तो मैं इसमें देखिए सबसे पहले आपको डिटेल यहाँ पे आपको मैं स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ प्रोजेक्टर का। देखिए ब्राइटनेस काफ़ी प्यारी है प्रोजेक्टर की, सभी प्रोजेक्टर अपने हिसाब से सही है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं TS-LT20A है और LED प्लस LCD LTPS 6.0 इंच का इसमें डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, LTPS है। तो कलर वगैरह और ब्राइटनेस तो आप देख ही रहे हैं, अलग ही लेवल की ब्राइटनेस और 9200 लुमिनेंस है। वैसे यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास ये आया था, अभी मैंने बोला 600 लुमिनेंस के लिए अभी यहाँ क्या ब्राइटनेस में यहाँ मेंशन किया जाए, ठीक है। अभी मैं PDF आपको वही दिखा रहा हूँ पुराना वाला, हाँ हालांकि है ये भी 9800 लुमिनेंस में ही है ये, ठीक है दोस्तों। वो मैं अभी सब आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको पता पड़ जाएगा खुद इससे पहले, क्योंकि मैंने TS-LT22A+ चलाया है, आपको क्वालिटी में खुद ही पता पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। और अपना यहाँ पर नेटिव फुल HD 1080p है, 1920 1080p है, 4K वीडियो सपोर्ट है, 8K भी सपोर्ट करता है, ठीक है दोस्तों प्रोजेक्टर। और ANSI लुमिनस जो है 1600 है इसका,
ये पुराना जो है स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे आप 200 लुमिनेंस और बढ़ा दीजिए, समझ लीजिए। वो मैंने इसका स्पेसिफिकेशन शीट बनाया नहीं, पुराना वाला ही आपको दिखा रहा हूँ, जो दिवाली से पहले मेरे पास आया था वही स्पेसिफिकेशन शीट यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एंड्रॉयड 9 है, 1 GB रैम, 8 GB रोम है, ब्लूटूथ, वाईफाई, एयर प्ले, कास्टिंग, यूट्यूब प्ले स्टोर, ये सभी आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ पे प्रोजेक्शन देखिए, यहाँ पे जो है आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से 120 इंच यहाँ मेंशन किया है, आप इसको वही 140 150 इंच तक ले जा सकते हो। मूवी पर्पस के हिसाब से 400 इंच तक का स्क्रीन साइज आप बना सकते हो उसमें, ठीक है। बेस्ट प्रोजेक्शन साइज आप मान के चलिए 350 इंच तक का आप स्क्रीन साइज बना लेंगे, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस इसकी। आप TSLT 22A+ की और इसकी सेम ब्राइटनेस, सेम पिक्चर क्वालिटी की बिल्कुल कोई भी मेरे को डिफरेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि दोनों के दोनों LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट रेशो भी जो है देखिए यहाँ पर 18:1 का ही मिल रहा है आपको, 3D तो वही है। तो इसको आप देखिए उसमें क्या है, रिमोट से आपको फोकस सेटिंग दिया हुआ है जो एक लेंस का है, तो वो 300 इंच के बाद आप नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ मैनुअल है तो आप 400 इंच तक भी बना सकते हो, क्योंकि मैनुअल इसमें लेंस सेटिंग दिया हुआ है, ओके। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेलाइट करके डोर ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक पता चल जाए। देखिए डेलाइट में आप यहाँ देखिए ब्राइटनेस के लेवल, इससे पहले मैंने TSLT 22A+ चलाया उसमें, और इसमें देखिए आप क्वालिटी सेम ही है, बिल्कुल अलग लेवल की पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी, चाहे आप ये ले लो चाहे TSLT 22A+ ले लो। इस प्रोजेक्टर का प्राइस 21,500 रुपये है, और काफ़ी बेस्ट प्राइस में देखिए, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा इतनी लाइट में प्रोजेक्टर चल रहा है, ब्राइटनेस बहुत ही शानदार है प्रोजेक्टर की, इतनी लाइट है जितनी मैंने TSLT 22A+ में दिखाई थी, ये TSLT 20A है, बहुत ही ज़बरदस्त है प्रोजेक्टर, बहुत ही प्यारी क्लियरिटी, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फुल डे लाइट है, यहाँ अभी कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, तो मैं डे लाइट में ही आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं इसे, तो लगभग सब चीज बताई गई। डिजिटल 4D कीस्टोन भी दिया हुआ है इसके अंदर, और लैंप जो है वही 190 वाट का है, यहाँ पे लाइफ लैंप लाइफ 50,000 घंटे की मिलेगी इसके लिए, वही आप 4 से 5 घंटे प्रोजेक्टर को चलाइए, 1 घंटे के लिए बंद करिए और फिल्टर टाइम टू टाइम क्लीन करिए, ठीक है। बेसिक डिटेल में HDMI के 2 पोर्ट है, USB के 2 पोर्ट है, AV दिया हुआ है, ऑडियो दिया हुआ है 3.5 mm का, ठीक है। इंटरनेट जैक मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और बाकी सब डिटेल मैंने आपको लगभग बताई दी है। रेड एंड ब्लू 3D भी है, ठीक है। इसके साथ में भी आपको वायरलेस माउस, 3D ग्लास, 32 GB पेन ड्राइव, पावर केबल, रिमोट, HDMI केबल, ये सभी चीज़ मिलेगा। सॉरी, इसके साथ में आपको HDMI केबल नहीं मिलेगा, इसके साथ में AV केबल ही आता है, HDMI केबल नहीं मिलता है इस मॉडल के साथ में आपको। तो मैंने TSLT 20A का भी यहाँ पे दिखा दिया है, और इसे जो भी अभी मैं जो है इसमें वीडियो प्ले कर लेता हूँ एक बार, जो वीडियो मैंने अभी तक आपको प्ले करके दिखाया वही वीडियो मैं इसमें प्ले करता हूँ। देखिए मक्खन पिक्चर क्वालिटी, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, आप भी बोलेंगे कि सर क्या चीज दी है। क्लियरिटी सुपर है प्रोजेक्टर की, सुपर, बहुत ही जबरदस्त क्लियरिटी है। आपका बजट जैसा है, जिस हिसाब से मैंने उस हिसाब से पूरा वीडियो में प्रोजेक्टर दिखाया है, फुल डार्क रूम कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सभी को फुल डार्क रूम में ही दिखाया है। प्रोजेक्टर की वॉइस भी इनफ है, 10 वाट का स्पीकर लगा हुआ प्रोजेक्टर के अंदर, शानदार क्लियरिटी, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको प्रोजेक्टर में। पे आपको पिक्चर मोड भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड पे है अभी, ये डायनामिक हो गया, सॉफ्ट वीवेट, सॉफ्ट वीवेट,
ईयर का ऑप्शन दिया है, बट दोस्तों यहाँ देखिए कुछ वर्क तो कर नहीं रहा है ये आपके सामने ही जो भी है। अब हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो मुझे नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पे, तो इसके लिए यदि आपको लग रहा हो तो आप मुझे बताएं किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ देखिए सिंपल ही है, मुझे कुछ भी यहाँ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी है कि यहाँ ग्राफिक्स, वीडियो मोड, ये आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। एक ऑटो है, आपको जैसा सही लगता आप वैसे पे चला सकते हैं इसे। तो दोस्तों क्लियरिटी सुपर है प्रोजेक्टर की, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। आपको मैंने जो भी मॉडल यहाँ दिखाए हैं TSLT 20A प्रोजेक्टर है, 9200 लुमिनस की ब्राइटनेस है और बहुत ही शानदार क्लियरिटी है। आप बिल्कुल इसको अगर प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी लगाना चाहते हैं आप तो मॉडल लगा सकते हैं कहीं पे भी। देखिए प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी आपको सब जगह अपने अपने हिसाब से बनता है। यदि आपका बजट जैसे मैंने दिखाया है, सबसे कम प्राइस में मेरा एंड्रॉयड 9 के साथ में TSLT 09A प्रोजेक्टर है जो 14500 का है। 11+ प्रोजेक्टर है, नॉन एंड्रॉयड है, 16500 में है। TS Super 20A Plus है, 24500 रुपये। TSLT 20A जो इस वक्त ये प्ले है वीडियो आपके सामने, 21500 रुपये। TSLT 22A Plus 23500 रुपये। ये लेटेस्ट प्राइस है अभी का, आगे दोस्तों एक हफ्ते बाद भी प्राइस में डिफरेंस आ ही जाएगा इसके, तो इसलिए आप मुझसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए। बाकी जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो मैं आपको करके दे ही दूंगा, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी, तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ सब दिखाने की कोशिश करी है, जो भी मेरे को पॉसिबल था मैंने अपने हिसाब से दिखाया है। आपको फिर भी लग रहा कि कुछ रह गया तो आप मुझे बताइएगा, अगले वीडियो में वो चीज़ सही कर लेंगे हम। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके अकॉर्डिंग यदि कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके रूम के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए हो, 12 फीट, 10 फीट से कितना बड़ा स्क्रीन साइज़ मेरा कौन सा मॉडल बनाएगा, आपको कौन सा प्रोजेक्टर पसंद आ रहा, आप मुझे बताएं, बिल्कुल जो हेल्प होगी बिल्कुल करेंगे आपकी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।